2014 में सर्बिया के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था, तभी पायलट का ध्यान जमीन में मौजूद एक अजीबोगरीब चीज ने अपनी तरफ खींच लिया। एक बहुत बड़ा सिंक होल जिसकी चौड़ाई 80 फीट और गहराई 15 स्टोरी बिल्डिंग जितनी थी। पायलट ने सिंक होल के करीब 2 या 4 चक्कर लगाए, चंद फोटोज कैप्चर की और फिर वहां से चला गया। लेकिन जब ये फोटोज इंटरनेट पर पोस्ट हुई तो ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। कई साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और आर्कटिक रिसर्चर्स ने आज से पहले इतना बड़ा सिंक होल कभी नहीं देखा था, और वो भी जो रातों रात बन गया हो। इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा था कि इसमें 10 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल का पानी भी आसानी से भरा जा सकता था। पर ये अचानक बना कैसे, ये एक्सप्लेन करना फिलहाल किसी के बस की बात नहीं थी, एटलीस्ट ये फोटोज देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। रशिया के नॉर्थ में सर्बिया का ये हिस्सा यमाल पेनिनसुला कहलाता है। यहाँ एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से आबादी ना के ही बराबर है। पूरे यमाल पेनिनसुला में सिर्फ चंद हजार खाना बदोश रहते हैं, और उनकी लैंग्वेज में यमाल का मतलब है जमीन का आखिरी हिस्सा। यमाल के इस सिंक होल की खबर के बाद आर्कटिक जियोलॉजिस्ट ने यहाँ का जायजा लेना शुरू किया। वैसे तो दुनिया में पहले भी कई बार सिंक होल्स बने हैं, और कई तो शहरों के बीचों बीच में भी बन चुके हैं, जिन्हें कभी गाड़ियां निकलते देखा है तो कभी पूरे के पूरे घर। ये सिंक होल ज्यादातर पानी के बहाव की वजह से बनते हैं, क्योंकि पानी नीचे की जमीन को कमजोर बना देता है। लेकिन जियोलॉजिस्ट का कहना था कि यमाल का ये सिंक होल किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लगता, क्योंकि नॉर्मल सिंक होल का बॉर्डर फ्लैट होता है, ना कि उभरा हुआ। और जैसा कि नॉर्मल सिंक होल जमीन के हिस्से को अंदर निकल लेता है, यानी उसके अंदर से बाहर कुछ नहीं निकलता, पर यमाल के इस सिंक होल पर जब गौर किया गया तो इसकी एज भी उभरी हुई थी, और इसका मलबा दूर दूर तक फैला हुआ था। पत्थरों के टुकड़े 200 से लेकर 900 मीटर की रेडियस तक फैले हुए थे। इस तरह का मलबा वही देखने को मिलता है जहां कोई एस्ट्रॉइड आकर गिरा हो, पर रिसर्चर्स को सिंक होल के अंदर किसी भी एस्ट्रॉइड के टकराने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। साइंटिस्ट का ख्याल है कि ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, एक बहुत बड़ा नेचुरल ब्लास्ट। नॉर्मली जमीन के अंदर उबलने वाला लावा इस किस्म के धमाके पैदा कर सकता है, पर अगर ये सच है तो सिंक होल से बाहर निकलने वाला लावा वॉल्केनिक रॉक कहीं तो नजर आए। इस सिंक होल के आसपास पत्थर तो हैं, लेकिन इनका वॉल्केनो से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। फिर आखिर ये सिंक होल बना तो बना कैसे, ये जानने के लिए इसके अंदर हवा, पानी और मिट्टी के कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए गए। इन तमाम सैंपल्स को जब टेस्ट किया गया तो इसमें एक चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाई गई, और वो थी मीथेन गैस, जिससे खाना पकाने और गर्माई के लिए यूज किया जाता है। मीथेन एक नेचुरल गैस होती है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनती है। अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में हो तो ये हवा से मिलने पर इसमें फौरन आग भड़क सकती है। अब इस बात के काफी ज्यादा चांसेस थे कि ये सिंक होल जमीन से निकलने वाले मीथेन गैस की वजह से बना था। ये मिस्ट्री अब साइंस के लिए खत्म हो चुकी थी, और उनका इस मामले की गहराई तक जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं बचा था। पर इससे पहले कि वो ये जानते कि इतनी ज्यादा मीथेन गैस आई कहां से, यमाल पेनिनसुला में ही 8 सिंक होल और बरामद हो गए। ये सारे सिंक होल भी सेम उसी तरह से बने हुए थे कि जैसे यहां कोई धमाका हुआ हो। जब सैटेलाइट से देखा गया तो मालूम पड़ा कि 2014 के बाद यहां एक के बाद एक सिंक होल बनते जा रहे हैं। तेजी से बनने वाले सिंक होल आखिर किस चीज की तरफ इशारा दे रहे थे, साइंटिस्ट ये जानने के लिए काफी फिक्रमंद होने लगे। इससे भी ज्यादा बेचैन करने वाली चीज ये थी कि इन तमाम सिंक होल का क्लाइमेट चेंज के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन था। 2014 में यहाँ सबसे पहला सिंक होल बना था, और उसके अगले ही साल सर्बिया में रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर नोटिस किया गया, और बाकी तमाम सिंक होल भी इसी हाई टेम्परेचर के दौरान ही बने थे। 19वीं सदी की शुरुआत से लेकर आज तक
पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है, लेकिन आर्कटिक सर्कल में टेम्परेचर बढ़ने की स्पीड डबल है। तो अब साइंटिस्ट ये सोचने में मजबूर हो गए कि इन सिंक होल का क्लाइमेट चेंज के साथ कनेक्शन है, और अर्थ का फ्यूचर क्या होगा अगर ये एक एक करके फटते गए। इस तरह यमाल के सिंक होल पर गहरी रिसर्च चलनी शुरू हो गई। तो दूसरी तरफ यमाल से बहुत दूर आर्कटिक सर्कल में ही एक साइंटिस्ट की दूसरी टीम को कुछ अनोखा देखने को मिला, जो शायद यमाल के सिंक होल की पहेली को सुलझाने की सबसे अहम कड़ी थी। अलास्का में नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के करीब एशी लेक है, जो लोकल्स के मुताबिक बहुत महीने से बहुत ऑड बिहेव कर रही थी। एशी लेक के अंदर से बबल्स निकल रहे हैं जैसा कि पानी बॉयल हो रहा हो। इस मिस्ट्री की खोज में साइंटिस्ट की एक टीम यहां पर आ पहुंची। इस बबल के सैंपल्स लिए गए और ये मालूम पड़ा कि ये भी मीथेन गैस के बबल्स हैं, और आर्कटिक रीजन में हल्की फुल्की मीथेन गैस का लीक होना एक बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन इस केस में हैरानी की बात ये थी कि ईस्ट लेक से हर रोज 10 टन मीथेन गैस निकल रही थी। पूरे आर्कटिक रीजन में ये पहली बार हो रहा था कि कहीं से इतनी ज्यादा मीथेन गैस निकली हो। रिसर्च टीम ने पानी के अंदर जाकर मीथेन गैस का सोर्स देखने का फैसला किया। वैसे तो ईस्ट लेक 3 फुट गहरी है, लेकिन जिस जगह से बबल निकल रहे थे वो जगह बहुत ज्यादा डीप थी, जहां डाइवर्स का जाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा सोनर स्कैनिंग की मदद से एशी लेक के नीचे जमीन का एक 3D मॉडल बनाया गया। मालूम पड़ा कि जहां से बबल्स निकल रहे हैं वहां लेक 50 फीट तक डीप हो जाती है। एक तरफ यमाल में सिंक होल के बनने की वजह भी मीथेन गैस ही बताई जा रही है, दूसरी तरफ एशी लेक के नीचे से भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मीथेन गैस लीक हो रही थी। ये दोनों लोकेशंस आर्कटिक सर्कल में ही आती हैं, और तो और इन दोनों के बीच में एक चीज और भी कॉमन है, वो ये कि ये दोनों लोकेशंस जमीन की ऐसी किस्म के ऊपर मौजूद हैं जिसको परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। परमाफ्रॉस्ट उस किस्म की जमीन को कहते हैं जो अंदर से पूरी तरह से फ्रोजन हो। ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई जमीन है जिसमें रशिया, कनाडा और अलास्का का काफी हिस्सा शामिल है। रिसेंट रिसर्च से मालूम पड़ा है कि आर्कटिक सर्कल में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से परमाफ्रॉस्ट अब पिघलना शुरू हो गए हैं, यानी जिस जमीन में लेक, पहाड़, रिवर्स और जंगल के साथ साथ इंसान के बनाए हुए स्ट्रक्चर खड़े हों वो अंदर से मेल्ट हो जाए, तो इसके नतीजे में जो कुछ होगा उसको इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है। परमाफ्रॉस्ट के मेल्टिंग के सबूत ईस्ट लेक से 600 किलोमीटर दूर अलास्का में फॉक्स टाउन के करीब जंगल में छुपा हुआ है। ये जंगल भी परमाफ्रॉस्ट के ऊपर मौजूद है, जहां लोकल्स ने नोटिस किया है कि जंगल के पेड़ अचानक से एक तरफ को झुक गए हैं। ऐसा मालूम होता है कि जैसे इन पहाड़ों की जड़ कमजोर हो गई है। इसके अलावा जंगल में डीप जाने पर मालूम पड़ा कि यहाँ की जमीन भी धसी हुई है और एक अजीब सा सुराग जमीन में बन चुका है। इस सुराग के अंदर पानी गिरने की आवाज लगातार सुनाई देती है, जबकि आसपास ना कोई पानी का स्रोत है ना कोई लेक। ये इतना बड़ा चेंज कई सदियों से नहीं हो रहा, बल्कि ये सिलसिला सिर्फ 2018 के बाद से शुरू हुआ है। पर सवाल ये है कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का मीथेन गैस और यमाल के सिंक होल से क्या कनेक्शन है। इस चीज को समझने के लिए फायरबैंक अलास्का में परमाफ्रॉस्ट के अंदर ही एक टनल खोदी गई। इस टनल के अंदर क्या देखा जाता है कि जमी हुई जमीन के साथ साथ कई प्रकार के जानवरों के ढांचे भी जमे हुए हैं, और हजारों साल पुरानी ग्रास भी प्रिजर्व हो रखी है। इससे ये जाहिर होता है कि परमाफ्रॉस्ट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। ये तो आप सबको मालूम होगा कि तमाम ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर कार्बन होता है। जैसे जैसे पौधे उगते हैं वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जब ये मर जाते हैं तो डिकम्पोजिशन के दौरान इसमें से कुछ कार्बन फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। लेकिन
आर्कटिक सर्कल में फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से ये डीकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, इसलिए हजारों सालों के बाद भी बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स अब भी प्रेमाफ्रोस्ट के अंदर प्रिजर्व्ड हैं, यानी इनकी बॉडीज अभी भी डीकम्पोज नहीं हुई और इनके अंदर अभी भी कार्बन मौजूद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्कटिक परमाफ्रोस्ट के अंदर जितना कार्बन है उतना शायद पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी ना हो, लिहाजा ग्लोबल टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघलता जा रहा है उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर यानी फॉसल भी डिकम्पोज हो रहे हैं। बैक्टीरिया इनके कार्बन को अपनी एनर्जी के लिए खाते हैं और फिर बदले में मीथेन गैस रिलीज करते हैं। इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट पिघलने की वजह से जमीन भी सॉफ्ट हो रही है और अब इनके नीचे फंसी हुई मीथेन गैस को ऊपर तक आने में किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। गैस आसानी से नरम सरफेस के वीक पॉइंट से फटकर बाहर आ जाती है। ये सिंक होल इसी गैस के निकलने की वजह से बने हैं। यही वजह है कि आर्कटिक सर्कल में इन सिंक होल की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स के पास इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। बेशक हम ग्लोबल वार्मिंग पे कितना भी कंट्रोल कर लें, परमाफ्रॉस्ट को पिघलने से नहीं रोक सकते। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।